نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس قال جاء رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فاقم علي قال ولم يسألوا عنه وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره متفق عليه हजरत नजम से रवायत है कि शख्स नबी अकरम वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि मुझ पे हद वाजिब हो गई है बस हद को मुझ पर जारी कीजिए नबी अकरम वसल्लम ने उनसे कोई सवाल न किया बस नमाज़ का वक्त हो गया उन्होंने नबी अकरम सल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी जब नबी अक्रम सम ने नमाज़ मकमल की तो उन्होंने फिर नबी अकरम सलीम से दोबारा कहा कि मुझ पर अल्लाह का फ़ैसला जारी कीजिए हद जारी कीजिए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनसे पूछा अलह सक़ल तम आना क्या आपने हमारे साथ नमाज़ नहीं पढ़ी तो उन्होंने कहा कि क़ाल नाम के मैंने पढ़ी है बस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने आपका गुनाह आपकी हद मुआफ़ कर दी है बुखारी और मुस्लिम में इसको जहर रिवायत किया गया है तो इस हदीस में एक तो हद का लफ्ज़ आया हद असल में उस सज़ा को कहती हैं जो अल्लाह पाक की तरफ़ से कभी किसी कबीरा गुना पर अल्लाह पाक की तरफ़ से जो है वो मुतन होती है फिर उसको जो जारी करना हुकूमत का काम है जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने चोरी की तो चोर के दोनों हाथ काट दिए जाएं, अब यह अल्लाह पाक की तरफ से मुतन है और इसको जारी करना अदालत का हुकूमत का, का काम है इसी तरह गैर शादी शुदा बंदाजी ना करे तो उसे सौ कोड़े मारे जाएं यह अल्लाह पाक की तरफ से मुतन है लेकिन इसको जारी करना हुकूमत का काम है इसी तरह शादीशुदा बंदा जिना करे तो उसे संसार कर दिया जाए शराबी को अस्सी कोड़े मारे जाएं तो ये अल्लाह पाक की तरफ़ से हदूद हैं और अगर अल्लाह पाक की तरफ से सज़ा मुतन न हो तो फिर उसको तज़ीर कहती हैं मिसाल के तौर पर कोई कौम लूत वाला अमल करे तो फिर उसको सजा देना हुकूमत का काम है उसको यानी तज़ीर किया जाएगा तो इस हदीस में ये बात बताई गई कि एक सहि रज़ी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अक्रम सल्लम के पास तशरीफ़ लाए तो उन्होंने असल में ये समझा कि मुझसे जो है कबीरा गुनाह जो है वो सरानंजाम हो गया है मुझसे कबीरा गुना सरजद हो गया है लेकिन उनका गुना जो है वो कबीरा नहीं था बल्कि सगीरा था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए से ये बात पता चल गई और पहली हदीस में इससे माकबल हदीस में जो हमने दरस में जिस पर बहस की गई थी कि सगीरा गुना जो है वो तो नमाज से माफ़ हो जाती हैं लेकिन कबीरा गुना जो है वो सिर्फ़ तोबा से माफ़ होता है तो सहाबी से ऐसे गुना सरजद हुआ था जो सगीरा था जो नमाज़ पढ़ने से मुआफ़ हो गया तो इस हदीस में एक तो ये बात हमें पता चली कि नमाज हमें जो है वह पाबंदी के साथ पढ़नी चाहिए पंजकाना नमाज़ पढ़नी चाहिए दूसरा ये कि जब भी हमसे कोई गुना सरसद हो तो हमें फ़ौर अल्लाह के हुजूर जो है तौबा करनी चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगियों में जो सुकून जो पैदा हो ज़िक्रल्ला से हमारे दिलों को इतमान मिले और हमारी ज़िंदगियों में जो परेशानियाँ जो हैं वो ख़त्म हों क्योंकि जब तक हम तोबा नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं आ सकता एक बार बिगड़ गई तो बिगड़ जाएगी ज़िंदगी जुल्फ़ नहीं के संवर जाएगी अल्लाह पाक हमल की तोफ़ी कदा वीडियो सुनने के बाद इसको आप शेयर भी करें बलाग़ुल मुबीन